हेलो दोस्तों, एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिक वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम एक अपने थिंकटूल मास्टर से इंजेक्टर की कोडिंग कैसे करना है, क्या उसका सही तरीक़ा है, उसमें क्या इंजेक्टर कोडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इंजेक्टर कोडिंग करेंगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा, इंजेक्टर कोडिंग नहीं करेंगे तो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आएगी, आज हम इसके बारे में हमने एक वीडियो शूट किया है तो आप को इसके बारे में मैं शेयर करूंगा, कैसे इंजेक्टर कोडिंग करनी है या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कौन सी गाड़ी में आपको इंजेक्टर कोडिंग करना करना कंपलसरी ज़रूरी है। आज ये हम आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेन पॉइंट क्या है, अभी तो एक अपने मैकेनिक हैं, ठीक है, अभी उनके पास गाड़ी आई थी, स्मोक बहुत ज़्यादा हो रहा था, पहले बहुत ज़्यादा स्मोक हो रहा था, और जो गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो प्रॉपर गाड़ी खड़ नहीं रही थी, ठीक है, जो उसकी हैंडलिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर खड़ नहीं रही थी, और उसका जो गाड़ी स्टार्टिंग की जो टाइम है वो थोड़ा लॉन्ग था, और उसके अंदर बहुत ही हेमिंग हो रही थी, यानी गाड़ी जैसे स्टार्ट करें खट 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 बोल के बहुत साउंड आ रहा था। तो मैकेनिक ने क्या किया, उसका डायरेक्ट इंजेक्टर खुलाए, ठीक है, इंजेक्टर डायरेक्ट खुलाए, इंजेक्टर खोल के रिपेयरिंग करवाए, इंजेक्टर रिपेयर होके आए, होने के आने के बाद भी गाड़ी का काम हुआ नहीं, फिर भी वही सेम दिक्कत थी, पहले क्या दिक्कत थी वही सेम टू सेम एज इट इज़ प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो हमें बुलाए, जमीर भाई आप देखो ये गाड़ी से हम बहुत परेशान हो चुके हैं, आप इसमें देख लेना, ठीक है। जब हम गए तो अपने को मालूम पड़ा, क्योंकि दो हर बंदे का अपना अपना एक डायग्नोस करने का एक सिस्टम रहता है, तो हम जाके देखने के बाद स्कैनर लगाए, स्कैनर लगाने के बाद हमें यह मालूम पड़ा, जो ये गाड़ी है इससे पहले 2 दिन या 3 दिन पहले गाड़ी का ईसीएम बदली हुआ है, ठीक है, 2 दिन पहले गाड़ी का ईसीएम बदली हुआ है, और ईसीएम बदली होने के बाद से ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये कस्टमर ना तो मैकेनिक को बताया था ना तो मैकेनिक हमें बताया था, तो उसके कारण उन्होंने खामुखा इंजन ईसीएम ये बोलते हैं आपका इंजेक्टर हो गए, इंजेक्टर रिपेयर करवा दिए, सर्विस करवा दिए, फिर भी यही सेम दिक्कत थी। तो हमने गए, हम जाने के बाद इसके अंदर देखे तो जो इंजेक्टर होते हैं इंजेक्टर की कोडिंग गलत थी, ठीक है, क्योंकि हर 8 ग्रैंड है, इसके अंदर 3 सिलेंडर की इंजन है, ठीक है, 3 सिलेंडर है, क्योंकि हमने इसके अंदर लैब डेटा में हमने चेक किया, इंजेक्टर का स्पेसिफिकेशन आता है, तो हमने इसके अंदर देखे तो इंजेक्टर की कोडिंग अलग थी। तो हमने मैकेनिक को पूछे, भाई इससे पहले कोई ईसीएम इसके अंदर चेंज हुआ है या इंजेक्टर चेंज हुए? तो इन्होंने बोला इंजेक्टर भी नहीं चेंज हुआ है, इंजेक्टर रिपेयर हुआ है और ईसीएम भी चेंज नहीं हुआ है। तो मैं उनको बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ इसमें अपने गलत काम किए हैं। तो कस्टमर से हमने बात किया तो कस्टमर बोले हाँ, 1 दिन पहले हमने ईसीएम बदली किया तब से ये दिक्कत आ रही है। तो हमने इसके अंदर इंजेक्टर कोडिंग किए, इंजेक्टर कोडिंग किए तो गाड़ी हम अपनी बन गई सक्सेसफुल, ठीक है। जो अपने डेल्फी के जो इंजेक्टर रहते हैं इसमें कंपलसरी आपको इंजेक्टर कोडिंग करना ही है, या आप ईसीएम चेंज कर रहे हो या आप इंजेक्टर रिपेयर करवाए हो, अदला बदली इंजेक्टर चेंज किए हो, तो आपको कंपलसरी इंजेक्टर कोडिंग करना ही है, ठीक है। इंजेक्टर कोडिंग नहीं करेंगे तो आपको क्या दिक्कत आएगी आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, आप स्टेप बाई स्टेप देखना, और इंजेक्टर कोडिंग कैसे प्रॉपर तरीके से होता है वो भी आप देखना, और स्टार्टिंग से आखिर तक अपने चैनल को वीडियो देखना, तब आपको इसमें आपको नॉलेज मिलेगी। आप देख सकते हैं मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है, और ये पुश बटन बदली करूंगा, नहीं ऑन करूंगा, गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी में आरपीएम भी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो मैं आपको गाड़ी के बाहर भी जाके दिखाऊंगा इंजन का क्या इसका रिजल्ट है, देख सकते हैं कितनी गाड़ी स्टार्ट है, जिससे हम गाड़ी को रेस देखिए तब भी गाड़ी भी दिखाऊंगा स्मोक कितना आ रहा है गाड़ी का, स्मोक देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मोक आ रहा है। तो जो छोटा मैकेनिक है तो ये समझेगा गाड़ी के अंदर ईवीआर का प्रॉब्लम है या टर्बो का प्रॉब्लम है या अपना इंजेक्टर का प्रॉब्लम है। तो आपको जब भी आप काम करेंगे सबसे पहले आप ये वेरिफिकेशन करो इसके अंदर इंजेक्टर का काम हुआ है या अपना इसके अंदर नहीं मंगलेगा ईसीएम का ईसीएम बदली किया है या इंजेक्टर अदला बदली किया है, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, होंडा ही में चला गया, ओके, क्या अभी इंजेक्टर कोडिंग कर रहा हूँ, क्या प्रॉपर तरीके से आपको इंजेक्टर कोडिंग करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा,
ठीक है, अपना थिंक टूल मास्टर की मदद से। तो मैं अभी होंडे में चला गया, होंडे में जाने के बाद 16 पिन में चला गया, तो ऑटोमेटिक स्कैन कर रहा हूँ, देखेंगे अपना जो पिन नंबर है वो ऑटोमेटिक उठा रहा है क्या। हाँ, अपना स्कैनर जो है वो ऑटोमेटिक पिन नंबर उठा लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं इंजन को स्कैन करके देखूंगा क्या कोड बन रहा है। तो इसके अंदर अपना जो कोड बन रहा है, सॉरी अभी मैं इसके अंदर गलत जगह पे आ गया, डेटा स्ट्रीम में आ गया, ठीक है। अभी मैं DTC चेक करूंगा, तो AC का प्रेशर सेंसर का कोड बन रहा है, इससे तो कोई अपने को गाड़ी स्टार्टिंग रिलेटेड कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो क्यों बना वो बाद में आपको बताऊंगा। अभी इंजन में चला गया, इंजन में जाने के बाद स्पेशल फंक्शन में चला गया, अपने को कोडिंग करनी है, इंजेक्टर कोडिंग करनी है, इंजेक्टर स्पेसिफिक डेटा, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट सिलेंडर सेलेक्ट करता हूँ, यही इसी जगह पे अपने को मालूम पड़ा इंजेक्टर कोडिंग अलग है, ठीक है, क्योंकि इंजेक्टर के अंदर जो डेटा है और ECM के अंदर जो डेटा है वो दोनों गलत है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसका जो इंजेक्टर की जो नंबर रहता है वो पूरा 20 डिजिट का डबल पी, तो हम इसके अंदर 20 डिजिट सेट करेंगे, ठीक है। 20 डिजिट हमने इसमें सेट कर लिया है, वो W 20 डिजिट हमने अभी सेट कर लिया, ओके करेंगे। अभी अपने दोस्त बोल रहे हैं हमने गलत कुछ मार दिया है, तो दोबारा हम इसमें मारेंगे, दोबारा री एंटर करके इसको चेक कर लेंगे। बोलो एक बार इनपुट, अभी हम इसको थोड़ा मैं वीडियो को स्पीड कर लेता हूँ। फर्स्ट सिलेंडर, क्योंकि फर्स्ट सिलेंडर, सेकंड सिलेंडर, थर्ड सिलेंडर तीनों इंजेक्टर को अलग अलग प्रकार से कोडिंग करना रहता है, तो मैं अभी फर्स्ट सिलेंडर को कर लेता हूँ। पूरा मेरा कोड हो गया है, अभी मैं करूँगा ओके। अभी आप देखो इज बीन कम्प्लीट, इस ओके अभी मैं जाऊँगा थर्ड सिलेंडर, सेकंड सिलेंडर का अभी हो गया अपना काम, तो थर्ड सिलेंडर भी मैं अभी कोडिंग कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसा कोडिंग करना रहता है, जो इंजेक्टर का सबसे नीचे का जो रहता है 20 डिजिट वो आपको इंटर करके कोडिंग करना रहता है। और मैं ये करूँगा ओके, देख सकते हैं इसके अंदर भी अपना लिख के आ गया कंप्लीटेड ओके। अभी मेरा तीनों इंजेक्टर, क्योंकि बीच का दो नंबर का जो सिलेंडर है उसका कोडिंग करके दिखा नहीं पाया, तो हमने तीनों इंजेक्टर का कोडिंग सही तरीके से प्रॉपर तरीके से हमने कर लिया। अभी मैं DTC जो भी है मेरा क्लियर कर लूँगा, अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, देख सकते हैं मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा, और मेरी जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हुई है नहीं हुई है वो हम जाके देखेंगे, क्योंकि गाड़ी में स्मोक आ रहा था और गाड़ी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, तो देखेंगे। अभी जो मेरे को लगता है इसके अंदर बहुत सारा आवाज़ जो है, गाड़ी जरा रेस कर, इसकी वजह से थोड़ा आवाज़ आ रहा है, और ये ओपन रोड है, जब तक इंजेक्टर कोडिंग करते नहीं देख कैसी सताचे गाड़ी। हाँ, देखो अभी स्मोक भी कुछ नहीं, अभी मैं रेस करने के लिए बताऊंगा, तो रेस भी करो कुछ भी करो कुछ भी रेस कर, स्मोक भी कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, होंडई के अंदर होंडई ले लो या कोई भी गाड़ी लो, बेल्टी का आप इंजेक्टर के अंदर लगा है या आप उसके अंदर। हाँ दोस्तों, आपको मैं इंजेक्टर कोडिंग क्या तरीके से करना है आपको इस वीडियो में देखने को मिला होगा, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इंजेक्टर कोडिंग करना कंपलसरी है। वो क्यों करना है डेल्फी के इंजेक्टर में, क्योंकि जो अपनी गाड़ी में तीन सिलेंडर की इंजन है, ठीक है, तीन सिलेंडर का हर इंजेक्ट यानी जो पिस्टन होता है, अप डाउन का जो समय रहता है, जो उसकी टाइमिंग रहती है, वो हर अलग अलग है, ठीक है। यानी पहला पिस्टन ऊपर आएगा तो दूसरा पिस्टन नीचे जाएगा, तीसरा पिस्टन ऊपर आएगा, तो वही प्रकार से इंजेक्टर फायर करता है, पहला इंजेक्टर फायर करेगा, तीसरा करेगा, दूसरा करेगा, इसका ऐसा टाइमिंग रहता है। तो अपना इंजेक्टर कोडिंग करने का जो मेन मुद्दा जो है वो ये है, अपना ECM को हम समझाना पड़ता है, जो अपना पहला जो सिलेंडर है वो सिलेंडर के अंदर इस नंबर का इंजेक्टर लगा है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक वो कर लेता है। हाँ, अभी पहला नंबर इंजेक्टर हमने उसके अंदर डेटा डाल दिए, ठीक है, ECM के अंदर, तो वो ये समझ जाएगा अभी पहला नंबर का इंजेक्टर को अभी फायरिंग करवाना है, तो हमने दूसरे नंबर के इंजेक्टर की कोडिंग की है, तो हमने उसको ये समझा दिए दूसरा इंजेक्टर का कोडिंग, दूसरे नंबर का जो इंजेक्टर है उसको अभी फायरिंग अप करवाना है, और तीसरे नंबर का जो इंजेक्टर है उसकी हम डेटा ECM को देंगे, तो वो समझ जाता है एक सिलेंडर में ये लगा है, दूसरे सिलेंडर में ये लगा है, तीसरे सिलेंडर में ये लगा है, तो ECM स्मार्ट है, ठीक है, ECM स्मार्ट है, तो वो अपने आप को कौन से इंजेक्टर पे पावर सप्लाई देना है, कौन से इंजेक्टर पे पावर सप्लाई कम करना है, वो अपने आप में वो कैलकुलेशन करके इंजन को सही तरीके से मेंटेन करेगा, और जो अपने प्रॉपर तरीके से गाड़ी चलनी चाहिए वो तरीके से चलाएगा, ठीक है। तो हम
इंजेक्टर कोडिंग करने का यही मेन मोटिव है। हम इंजेक्टर जिस जगह पे लगा है, एक सिलेंडर पे लगा है, तो एक सिलेंडर का हमने ईसीएम को बता दिए, तो वही तरीके से उसको फायरिंग करवाएगा, ठीक है। उस टाइम पे ना तो स्मोक आएगा, ना तो अपना इंजेक्टर मिक्सिंग करेगी, गाड़ी मिक्सिंग करेगी। और ये गाड़ी में डेल्फी में कंपलसरी आपको करना ही है। किस किस कारण से करना है, या तो आप ईसीएम बदली कर रहे हो, या तो आप इंजेक्टर का काम करवाए हो, इंजेक्टर का काम करवाने के बाद भी आपको अदला बदली कर रहे हैं, तब भी आपको इंजेक्टर कोडिंग कंपलसरी करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, किस कंडीशन में आपको नहीं करना चाहिए आपका इंजेक्टर, इस देखो ये वीडियो आप मैं बना दिया तो जमीर भाई ने बोल दिया इंजेक्टर कोडिंग करने से ये काम हल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको वेरिफिकेशन भी करना रहता है, आपने लाइफ डेट इंजेक्टर का जो स्कैनर में जो लाइफ डेटा का जो सेक्शन रहता है, उस जगह पे जाके स्कैनर के अंदर आपका जो ईसीएम के अंदर जो ऑलरेडी डेटा इंटर्ड है, इंटर हो के है, वो डेटा आपको देखना पड़ता है, एक फ़ोटो लेना पड़ता है, लेके आप इंजेक्टर को देखना पड़ता है, तो ये और वो डेटा सेम है क्या बोल के, सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम नहीं है बोले तो इंजेक्टर की कोडिंग करना कंपलसरी है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।